26 नवंबर हर साल आती है। 26 नवंबर को मौसम बहुत अच्छा रहता है, ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती, दिन में धूप रहती है। 26 नवंबर भारत के लिए सारे उत्सवों में, सारे फेस्टिवलों में, जितने भी फेस्टिवल भारत में अब तक आए हैं उन सब में सबसे बड़ा फेस्टिवल है, क्योंकि 26 नवंबर को जो संविधान लिखा गया उसको अंगीकार किया गया, उसको माना गया और भारत के सभी लोगों ने उसको माना। संविधान को बाबा साहब से जोड़कर और बताया जाता है क्योंकि जितने भी एससी एसटी ओबीसी हैं उनको इससे बहुत फ़ायदा होता है, इसलिए ये माना जाता है कि ये संविधान बाबा साहब ने भारत की गरीब जनता के हिसाब से लिखा। मगर इसको मानने वाले जितने लोग थे उनमें सारे सारे ओबीसी या अदर लोग थे, शेड्यूल कास्ट लोग नहीं थे उसमें, क्योंकि बाबा साहब एक अकेले ऐसे थे जो इस पक्ष में आते थे। इसलिए ये पूरे देश का संविधान है, मगर इसको मानने वाले, इसको जानने वाले, इसका उत्सव मनाने वाले पूरे देश के लोग नहीं हैं, मोस्टली इसमें एससी एसटी ओबीसी या माइनॉरिटी के लोग हैं और संख्या भी उन्हीं की सबसे ज़्यादा है, जो लगभग 90% के आसपास बैठती है। किसी भी देश का जो संविधान होता है वो उस देश की जान होता है, अगर जान सलामत रहेगी तो देश सलामत रहेगा। बाबा साहब ने जो प्रारूप बनाया वो सारे दुनिया के देशों को समझकर, जानकर, पढ़कर, बहुत मेहनत से और सारी जितनी भी विशेष स्थिति किसी राज्य की रही या वहाँ के लोगों की रही, जो परेशानियाँ रहीं उनको देखकर और जितने भी लोगों के रहने के तरीके थे, कल्चर थी, भाषा थी, उन सबको समाहित कर एक ऐसा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाया, ऐसा एक संविधान बनाया जो पूरी दुनिया में 20 से ज़्यादा देशों में कॉपी किया गया और किया जा रहा है। इसका उत्सव मनना बहुत देर से आरंभ हुआ, बेसिकली ये सरकार का काम था कि सरकार इसके उत्सव को पहले साल से मनाती है और वो मनाती भी है। सरकार का जो उत्सव मनता है वो सिर्फ जो उनकी लेजिस्लेटिव बॉडी है यानी कानून बनाने वाले जो लोग हैं, जिनको आप MP MLA कह सकते हैं, वहीं तक सीमित है। इसको आम पब्लिक में प्रचारित नहीं किया गया, ना ही बताया गया कि इसकी कितनी बड़ी मान्यता है और ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी देश के लिए। दुनिया जानती है कि भारत का संविधान सबसे अच्छा संविधान है देश को आगे बढ़ाने के लिए, मगर देश के नागरिकों को ये पता नहीं है कि संविधान क्या होता है और इसके फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। चूँकि 26 नवंबर आ रही है तो जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो सारे के सारे अब संविधान को पढ़ाएंगे, संविधान की देशना करेंगे, संविधान के आर्टिकल पर जिक्र करेंगे। साल दर साल ये बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के जो लोग हैं वो अलग अलग कार्यक्रम लगाते हैं हमेशा की तरह, और जो अपने कार्यक्रम नहीं लगा पाते वो इंडिया गेट पर पिकनिक मनाने के लिए अपने बच्चों के साथ अपना खाना बना के लाते हैं, क्योंकि इंडिया गेट पर बहुत बड़ा जगह खाली होती है और मौसम बहुत बढ़िया होता है और वहाँ लाइट और वहाँ पार्किंग की सुविधा मेट्रो से आने की बहुत अच्छी होती है। बाकी पूरे दुनिया के अंदर इसको अच्छी तरह से मनाते हैं। आप बहुत ज़्यादा इसको मनाना चाहें तो अपने घर में लाइट जला सकते हैं, घर के बाहर लाइट जला सकते हैं, लोगों को मिठाई बांट सकते हैं, कोई रैली निकाल सकते हैं, कोई पाठ कर सकते हैं, कोई संविधान की देशना कर सकते हैं, किसी संविधान एक्सपर्ट को बुला के छोटी सभा लगा के उससे पूछ सकते हैं, वकीलों को बुला सकते हैं, जो वकील इतने सारे हजारों की तादाद में हैं, वकीलों का दायित्व है कि वो संविधान को पढ़ाएं, इंटरनेट पे पढ़ाएं, वीडियो बनाएं, उसकी फेसबुक पे पढ़ाएं, अपनी वॉइस में पढ़ाएं, उसके पंपलेट छपवाएं, उसकी किताबें छपवाएं, सरल भाषाओं में छपवाएं और सभी भाषाओं में उसको बोलें और बताएं। जितना संविधान आप पढ़ेंगे, जितना संविधान जानेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि ऐसी समता भरी किताब, ऐसी किताब जो देश को बहुत आगे तक ले जा सकती है, उसका अभी तक भी जानकारी उन लोगों को नहीं हुई जिनको इससे फ़ायदा होता है, यानी कि देश के लोगों को। इसलिए देश के लोगों को संविधान बताने की जिम्मेदारी देश के लोगों की है, क्योंकि संविधान देश के लोगों द्वारा देश के लोगों को और देश के लोगों के लिए ही बना हुआ है। 26 नवंबर की आपको अग्रिम बधाई है हर साल की तरह। अगर आप दिल्ली में हैं तो इंडिया गेट आइए, पिकनिक मनाइए, शाम को अपना भोजन साथ लेके आइए, कहीं बाहर हैं तो वहाँ पिकनिक मनाइए, अपने घर पे मनाइए, मिठाई बांटिए, मिठाई खिलाइए, एक दूसरे को बधाइयाँ दे दीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए, धुले कपड़े, साफ कपड़े, नए कपड़े, मिठाई में गुड़ भी हो सकता है, चीनी भी हो सकती है, जिसकी जैसी हैसियत है वो हो सकती है, मगर खिलाएं ज़रूर। अपने बुद्ध विहारों में, कबीर भवन में, वाल्मीकि भवन में, देश के किसी भी हिस्से में जाएं, पूरा देश आपका है, पूरा संविधान आपका है, खुशियां मनाइए, खुशियां बांटिए। धन्यवाद।